Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Amina Banu from Ladakh, ये problem differential equation के differential calculus के limit and continuity chapter से है. If fx is equal to 0, when x less than and equal to 0, यानी जब x की वैल्यू 0 से लेस देन या इक्वल होगी तब fx की वैल्यू 0 के बराबर है. fx इक्वल टू 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या 1 के इक्वल और 1 से कम है तब तो x फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल लेना है. एंड fx इक्वल टू 2 यानी फंक्शन की वैल्यू 2 तब होगी जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी. सो दैट एफ इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट 2 पॉइंट. तो प्रूव करना है, शो करना, दिखाना है कि फंक्शन एफ जो है वो डिसकॉन्टीन्यूअस होगा 2 पॉइंट्स पर. वो कौन से 2 पॉइंट होंगे, पहले तो हम इस फंक्शन को दोबारा से अच्छे एक दूसरे तरीके से लिख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हों. इस तरीके से लिखते हैं तो कम समझ में आता है थोड़ा सा. तो फंक्शन को हम इस तरीके से लिख देते हैं कि इसकी कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है. तो एक वैल्यू तो बताई फंक्शन की 0, और ये तब दी गई थी जब x की वैल्यू बताई गई थी कि 0 से कम हो या 0 के इक्वल हो, तब फंक्शन की वैल्यू ये हमें लेना है. और फंक्शन की वैल्यू 1 तब हमको लेना है जब x की वैल्यू के बारे में बता दिया कि ये 0 से तो ग्रेटर हो लेकिन 1 से लेस हो और 1 के इक्वल भी हो. अब वैल्यू 2 तब लेना फंक्शन की जबकि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो. ये तीन कंडीशन, तीन वैल्यू फंक्शन दे रखी हैं अलग अलग रीज़न पर. यानी इसको अगर नंबर लाइन पर देखें तो 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 और 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल है यहाँ से यहाँ तक, और फिर 1 से ग्रेटर के लिए, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन की वैल्यू ये 2 रहती है, पूरे कहीं पर भी ये 2 के इक्वल रहती है. ये थोड़ा रफ आइडिया. तो अब हमें ये सिर्फ देखना है और इसी से बेस पर हमें 2 पॉइंट वो पता करना होंगे कौन से हैं जिस पर फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है, हमें दिखाना है. तो आपको सिर्फ देखिए सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को दिखाना होता है जहां पर फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस हो रहा है, यानी सॉरी जहां पर पीस वाइज डिफाइन किया गया है. तो वो पॉइंट हैं, देखिए 0 से लेस देन के लिए तो फंक्शन की वैल्यू 0 है तो इन पर तो कॉन्टीन्यूअस होगा ये, फिर क्योंकि एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है 0. लेकिन फंक्शन जहाँ से यहाँ से ये कहना चाहिए डिसकनेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे x की वैल्यू से, वो 0 है. फिर देखें फिर 0 के बाद से ये फंक्शन की वैल्यू अलग तरीके से डिफाइन की गई 1 है. तो इस 0 पर हमें चेक करना होगा. और इसी तरीके से 1 के 0 1 तक तो ये वैल्यू है, और फिर 1 के बाद 1 पर भी वैल्यू की वैल्यू बता दी गई फंक्शन की कि 1 के इक्वल है, और 1 के बाद जो है डिफाइन किया, यानी 1 पर जो है देख रहे हैं कि एक 1 से पहले और 1 के इक्वल पर तो फंक्शन की ये वैल्यू है, 1 के जस्ट बाद जो है वैल्यू है ये है. तो इस पॉइंट पर भी फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस हो सकता है. तो इन्हीं पर बस चेक करना होगा. बाकी जैसे 0 से लेके 1 के बीच तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट फंक्शन तो कॉन्टीन्यूअस होता है. तो हर एक पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा. यहाँ पर सिर्फ ये कंफ्यूजन के पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट यानी जहाँ पर इक्वल लगा हुआ है उन्हीं इक्वल पर चेक करना होगा कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है क्या डिसकॉन्टीन्यूअस है. तो एक एक करके हम चेक करते हैं. पहले 0 वाले पॉइंट पर चेक कर लेते हैं कि 0 पर फंक्शन कैसा होगा. एट एक्स इक्वल टू 0 पर हम फंक्शन को चेक करते हैं. कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस या डिसकॉन्टीन्यूअस दिखाना है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और उस पॉइंट फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं. तो पहले तो हम उस पॉइंट पर यानी एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू यानी x की वैल्यू 0 जब रखेंगे तो बताया गया जब 0 है x की वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 के इक्वल है. तो ये हमें गिवन है ये वैल्यू. अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स होता है कि जिस पॉइंट पर भी निकाल रहे हैं उस पॉइंट से जस्ट पहले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यानी इसको हम लिमिट की फार्म में लिखेंगे. तो लिमिट यानी x टेंस टू 0 माइनस ऐसे भी लिखा जाता है, और यहाँ पर एफ एक्स लिख देंगे. और इसको अगर हम h की फार्म में कन्वर्ट करना चाहें लिमिट में अभी से तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी लिमिट h टेंस टू 0 कर दें और जहाँ पर भी फंक्शन में दिखे x वहाँ पर 0 माइनस h कर दें, और ये 0 में से h माइनस होगा
तो एच ही बचेगा माइनस का, यानी लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और माइनस एच। और ये वैल्यू जो नज़र आ रही है एक्स की जगह पर नज़र आ रही है, जैसे फंक्शन में देखें ये एक्स है होता है यहाँ पर, तो उसके यहाँ माइनस एच यहाँ पर दिख रहा है, जो कि ज़ीरो से कम होता है, निगेटिव जो होता है सारा निगेटिव ज़ीरो से कम होता है। और ज़ीरो से कम के लिए, ज़ीरो के इक्वल के लिए, ज़ीरो से कम के लिए हमें फंक्शन की वैल्यू ये वाली रखना है, तो ये वाली फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यानी एफ माइनस एच की वैल्यू जो है हमको मिल चुकी है, फंक्शन की जैसे डेफिनेशन दिखाई गई है उस बेस पर ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी, क्योंकि ये वैल्यू जो है जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है वो ज़ीरो से कम है, और एक्स की वैल्यू ज़ीरो से जब कम होती है, निगेटिव होती है, तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो देना है हमें, तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल रख दी। अब यहाँ पर कांस्टेंट है तो कोई वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लिमिट हटा दीजिए ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर ही रहेगी। तो अभी तक तो हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू आई है वही लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमने सॉल्व करके निकाली तो ज़ीरो के बराबर। अब राइट हैंड लिमिट को और चेक कर लेते हैं वो कितना आता है, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लिमिट जिसको हम दिखा सकते हैं जिस तरीके से हमने इसको दिखाया था कि इसको 0 + 0 इस तरीके से लिखा जाता है राइट हैंड लिमिट को, और अगर लिमिट के फार्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस 0 प्लस होगा अगर राइट हैंड लिमिट लिखना है एफ एक्स। अब इसके बाद में हम लोग इस लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो हम फंक्शन की वैल्यू पहले डाल दें या फिर हम इसमें लिमिट को जैसे कि पहले किया वैसे कर सकते हैं। तो यही करते हैं कि पहले हम लिमिट को चेंज कर देते हैं, लिमिट एच टेंस ज़ीरो कर देंगे, और क्योंकि इस का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन एक्स की वैल्यू ज़ीरो की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ज़ीरो की तरफ तो ये तभी बढ़ेगी जब एच की वैल्यू ज़ीरो की तरफ बढ़ेगी। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से, यानी एक्स यहाँ पर 0 + h रख दें और एच टेंस टू ज़ीरो रख दें, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो देख रहे हैं कि जो फंक्शन हमें देखना है वो वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, ये यहाँ पर चाहे ज़ीरो अगले स्टेप में हम इसको कर दें, यानी लिमिट एच टेंस ज़ीरो, ये एच जो होता है बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है लेकिन पॉजिटिव होती है, मीन ज़ीरो से बड़ा होता है, और जब ज़ीरो से बड़ा फंक्शन है एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या रखना होगी वो यहाँ से पता चल जाएगा। एक्स की वैल्यू ज़ीरो से जब बड़ी होती है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू है 1 लेना होती है, तो मेरा ये एच जो कि ज़ीरो से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल ली जाएगी। तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और यहाँ पर 1 लिख दिया, और लिमिट चूँकि ये कॉन्स्टेंट है तो लिमिट हटा दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, 1 ही रहेगा यहाँ पर। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर, अभी हमने देखा फंक्शन की वैल्यू तो आ गई थी लेफ्ट लिमिट के बराबर आ गई थी, लेकिन ये इक्वल नहीं आई है राइट हैंड लिमिट की, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तो 1 के इक्वल है। अगर तीनों इक्वल आते तो हम कह सकते थे कि 0 पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, लेकिन हम देख रहे हैं एट x इज इक्वल, क्योंकि तीनों इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं एट x इक्वल टू 0 f इज जो कॉन्टीन्यूस नहीं होता तो हम उसको कहते हैं डिसकॉन्टीन्यूस, f इज डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है। अब हमें दूसरा पॉइंट और देखना है जिस पर फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है या नहीं, तो वो पॉइंट है हमें प्रूफ भी करना दिखाना है x इक्वल टू 1 वो पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि हमने डिस्कशन में बताया था शुरू में। तो x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे तो पहले तो फंक्शन की वैल्यू ही निकाल लेते हैं 1 पर, तो फंक्शन की वैल्यू निकालना है 1 पर, तो 1 देखिए x की वैल्यू जो है 1 के इक्वल तब है यहाँ पर जब फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू भी तब 1 के इक्वल है जब फंक्शन x की वैल्यू 1 के इक्वल है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ये तब निकाली जा रही है जबकि एक्स की वैल्यू, यानी किस पॉइंट पर निकाली जा रही है 1 पर निकाली जा रही है, लेफ्ट है तो माइनस करेंगे, यानी 1 माइनस 0 इस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट की फार्म में लिमिट एक्स टेंस टू 1 और लेफ्ट लिमिट है तो 1 माइनस कर दें, या 1 माइनस एच भी लिख सकते हैं इसको, और फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं एफ एक्स लिख दें यहाँ पर। लिमिट को अगर चेंज करना चाहें तो यहीं पर चेंज कर दें, एच टेंस टू 0 कर दें और जहाँ पर भी एक्स नज़र आए वहाँ पर रख दीजिए 1 माइनस एच, ये जो शो कर रहा है कि ये जो वैल्यू है वो एक से छोटी है, एक से कम है, एक से लेस 1 से लेस की वैल्यू देख रहे हैं, एक्स की वैल्यू 1 से कम है, तो 1 से कम है तो हमें 1 के इक्वल लेना है यहाँ पर, फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल ले लेंगे, यानी इसे हटा के उसकी वैल्यू 1 रख देंगे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, वो बस देखना होगा कि किस यहाँ पर वैल्यू है किससे कम है या किससे ज़्यादा है, तो 1 से कम है तो ये वैल्यू हमने अभी देखी थी कितनी आई थी 1 के इक्वल ही आई थी, तो 1 के इक्वल रख दें, और चूँकि कांस्टेंट है तो ये वैल्यू
लिमिट हटाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वन के इक्वल आ गई, इसलिए एक्स इक्वल टू वन पॉइंट पर ये वैल्यू तो वन के इक्वल आ रही है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालना है और किस पॉइंट पे निकालना है, वन पे निकालना है, राइट है तो इसे लिखेंगे वन प्लस ज़ीरो पर लिमिट, और अगर इसको लिमिट के फार्म में लिखें लिमिट एक्स टेंस टू वन पर प्लस एफ एक्स की वैल्यू, और फिर इसको फंक्शन की वैल्यू चाहे पहले रख दें या हम पहले इसको एच टेंस ज़ीरो कर दें, और तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो इसको हम अब की इस बार जो है पहले फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं। लेकिन फंक्शन की वैल्यू रखने से पहले ये ध्यान रहे कि हमें जो है एक्स की वो वैल्यू देखना है जो एक से बड़ी है, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू डालना है। तो एक से बड़ी के लिए तो यहाँ पर एक से बड़ी जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू एक से बड़ी ये है, यहाँ पर जो नोक जो होती है वो छोटी की तरफ होती है, ये खुला और ये बड़ा है तो एक्स बड़ा है, तो ये एक्स जब बड़ा है एक से तब फंक्शन की वैल्यू बताई गई टू के बराबर है, तो यहाँ पर हम टू रख देंगे। तो हमने इस बार थोड़ा सा इस कैलकुलेशन से अलग किया, आप इस जैसा भी कर सकते हैं, यानी बिना एच में कन्वर्ट किए भी, अब एच में कन्वर्ट कर लीजिए फॉर्मेलिटी तो अदा करना पड़ेगी, यानी लिमिट कर दीजिए एच टेंस ज़ीरो और फिर इसमें देखें आप कहीं पर भी एक्स नज़र आ जाए वहाँ पर रख देंगे वन प्लस एच, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसे ही रहेगा। अगले स्टेप में हम लिमिट हटा के जहाँ पर भी एच नज़र आएगा यहाँ पर वहाँ पर ज़ीरो रख देंगे, लेकिन यहाँ पर एच है ही नहीं तो ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टू के बराबर ही आ जाएगा। इस जैसा भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू निकाली थी वन पर वो तो वन के कुल आई, और लेफ्ट लिमिट भी ज़ीरो यानी वन पर जो है वो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वन पर वो वन के इक्वल आई थी, लेकिन राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं टू के इक्वल आ रही है, यानी ये इसके इक्वल नहीं आ रही है। राइट हैंड लिमिट जो है वो वन पर इसके लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, आपस में तीनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ये दो के बराबर टू के बराबर आ रहा था, ये वन के बराबर आ रहा था, तीनों इक्वल नहीं, तो कह सकते हैं एट एक्स इजिकल टू टू एफ इज एट एक्स इक्वल टू सॉरी वन था ये पॉइंट एट एक्स इक्वल टू वन एफ इज डिसकॉन्टीन्यूअस, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टीन्यूअस जो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होता वो डिसकॉन्टीन्यूअस होता है, तो यहाँ पर दो पॉइंट मिले हैं, हैंस एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड वन आर टू पॉइंट्स वेयर एफ इज डिसकॉन्टीन्यूअस, दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।